जी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर अगर हम कोई डॉक्यूमेंट एडिट करना चाहें और उसके बाद उसके अंदर टेक्स्ट डालना चाहें, तो सिंपली आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर जो जहाँ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वो है आपका आपकी वो जगह जहाँ पर से आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट किया, मेरे पास ये कर्सर मेरे सामने ब्लिंक कर रहा है, तो मैं इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 ये मैंने टेक्स्ट एंटर कर दी। ये है तरीका टेक्स्ट एंटर करने का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 के अंदर।